करोड़ों लोग जिनके पास अब खाने के लिए, जिनके पास नौकरी नहीं है, सरकार ने सोचा ही नहीं कुछ। अगर वैक्सीन आ गई जल्द से, लेकिन जो जो समस्याएं जो हमारे साथ हैं शुरू से, उनका हल नहीं निकलेगा उससे। इतने बड़े देश में जहाँ इतना धन हो, दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और छोटे छोटे देश हैं, वियतनाम है, क्यूबा है, दक्षिण कोरिया है, इन्होंने संभाल लिया। अगर सीता के लिए अग्नि परीक्षा थी, तो ये कोरोना वायरस महामारी जो है एक प्रकार की परीक्षा है हमारी आधुनिक सभ्यता के लिए। मेरी किताब का जो सबसे बड़ा संदेश है, एक प्रकार से संदेश सर, आपका जो किताब, ये तो वर्ल्ड वाइड रिव्यू बहुत अच्छा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको पहला जो प्रश्न है मेरा, मैं पूछना चाहूँगा कि पैंडेमिक सारे दुनिया को अफेक्ट किया है इस कोविड 19 ने, आप हिस्ट्री के पॉपुलर प्रोफेसर हैं, कैलिफोर्निया में बैठ के आपको क्या इंस्पायर किया, मन में क्या ख्याल आया जिससे आपको ये किताब लिखने का इंस्पिरेशन मिला और आप काम शुरू किए, किताब कंप्लीट हुआ और पूरा वर्ल्ड वाइड इसका इतना डिमांड हो गया, ये लोग पढ़ के इसमें एक अलग सा अंदाज पा रहे हैं, तो क्या आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ इस किताब को लिखने के लिए? आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सबसे पहले तो ये एबीपी को भी अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस कोरोना वायरस विषय के बारे में कुछ दो तीन बातें कहूँ। ये जो कोरोना वायरस महामारी है, ये जो है ये बिल्कुल अभूतपूर्व है दुनिया के इतिहास में। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि 1957 में, 1968 में बेशक इतने लोगों की मृत्यु हो, लेकिन जिस प्रकार से सारी दुनिया एक प्रकार से बंद कर दी थी, इस मार्च में जून तक 3 महीने तकरीबन सारे दुनिया में एक लॉकडाउन हो गया था, ऐसा कभी इतिहास में नहीं देखा गया है। अब 1957, 1968 और उसके बाद जो है जो स्वाइन फ्लू हुआ और सार्स हुआ था 2002, 2003 में भी सार्स हुआ था, किसी समय भी जिस प्रकार से स्टेट इंटरवेंशन हुआ है वो इस बारे वो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए जिस प्रकार से आजकल एयरलाइन ट्रैफिक है, ठीक है ना, कि और ये कोरोना वायरस जो है इसी के कारण जो है हर दुनिया के एक छोटे छोटे कोने में पहुंच गया। अब आप अपना हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, अब ये जो आइलैंड्स हैं ये सारे जो आइलैंड्स को मिला के ये तकरीबन 35-40 आइलैंड हैं जिनमें लोग रहते हैं, लेकिन कई कई जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उनमें केवल 500-600 लोग हैं। हैरानी की बात ये है कि इतने छोटे छोटे आइलैंड्स में भी कोरोना वायरस जो है ये वायरस पहुंच चुका है, ठीक है ना। और ये ऐसी बात जो है ये हमने पहले कभी दुनिया में नहीं देखी कि सारा व्यापार बंद हो जाए, ठीक है ना, सारे स्कूल बंद हो जाएं, सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाएं, म्यूजियम बंद हो जाएं, और लोगों को कहा जाए कि आप अपने घर में रहिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। आपको याद होगा कि अपने भारत देश में प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को जब उन्होंने भाषण दिया लॉकडाउन का, तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा का भी जिक्र किया कि एक प्रकार से आप सोचिए कि आपके घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा है और आपने इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, ठीक है ना, और आप 3 महीने अपने घर में बंद अपने आप को कर लीजिए और वहीं रहिए। ऐसा पैंडेमिक जो सारा दुनिया को अफेक्ट कर गया, इसी के ऊपर आपको उसी से आपको इंस्पिरेशन मिला कि इसके ऊपर किताब लिखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक इसमें एक 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 और जरूरी बात है सोचने की, वो ये है कि जो किताबें अब तक इसके ऊपर लिखी गई हैं, और ये मेरी पहली किताब नहीं है, कुछ किताबें निकल चुकी हैं, लेकिन जो किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं अब तक, वो किताबें तकरीबन एक दो किताबें होंगी जो अलग प्रकार की हैं, लेकिन तकरीबन सारी किताबें जो लिखी गई हैं वो
किताबें जो हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस वैज्ञानिक ज्ञान से आप कई बातें समझ सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है, आप सब कुछ नहीं समझ सकते। इस दृष्टिकोण से आपको एक इसका जो है एक प्रकार का विचार आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कला की जरूरत है, राजनीति की जरूरत है, संस्कृति की जरूरत है, इतिहास की जरूरत है। और इस किताब में मैंने यही कोशिश की है कि मैं इस महामारी को अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करूं, और इसको मैं समझने की कोशिश करूं सिर्फ आज के समय के लिए नहीं, लेकिन इसका जो है लॉन्ग टर्म व्यू जैसे कहेंगे, ठीक है ना, कि इसको 500 साल या 1000 साल का जो है जो पीरियड है उसके अंदर इसको लेके समझो। एक चीज मुझे बताइए सर, आपके किताब में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, कल्चर, इस सब का एक कोरोना के साथ ब्लेंडिंग किया गया है, ऐसा रिव्यू आ रहा है, ऐसा रीडर्स का भी मानना है। बहुत सारे किताब है, आप जो कह रहे थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, मगर इन सब का एक मेलबंधन, इन सब का एक कोविड के साथ जुड़ना एक अलग दृष्टिकोण से, वो दृष्टिकोण, वो कंटेंट थोड़ा बताइए व्यूअर्स के लिए। जैसे कि आप जानते हैं और जैसे कि हम सब समझते हैं, ये कोरोना वायरस महामारी जो है ये बिल्कुल एक ग्लोबल इवेंट है, वैश्विक इवेंट है, ठीक है ना, ये सारी दुनिया में फैला हुआ है और सारी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अब क्योंकि इसकी सारी दुनिया में चर्चा हो रही है, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बाकी देशों ने किस तरीके से इसको संभाला है, ठीक है, ये इतनी कठिन स्थिति को उन्होंने कैसे संभाला, और ये कठिन स्थिति को कैसे संभाला ये तभी समझ सकेंगे कि हम एक देश का और दूसरे देश का और तीसरे देश का इतिहास देखें, उनकी राजनीति देखें, उनके लोग क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है ना। अब जैसे ये जो है ये महामारी ये कहाँ शुरू हुआ, ये चीन में शुरू हुआ, और ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि चीन में जो है उन्होंने इसको संभाल लिया, जिस तरीके से उन्होंने संभाला वो तरीका सब देश के लिए ठीक नहीं है, हो सकता है चीन के लिए भी ठीक ना हो, चीन के लोगों के लिए ठीक ना हो, क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें बहुत सारी जबरदस्ती की गई कि आपने जो है एक एक इलाके को लिया, वुहान का जो हुबे प्रोविंस जो है और उसमें सबसे बड़ा शहर उनका जो है वुहान है, और आपने पूरे प्रोविंस को, पूरे इलाके को एक ताले के नीचे, ताले के ताले में बंद कर दिया एक तरीके से, ठीक है ना, वो क्वारंटीन जैसे कहते हैं वो आपने क्वारंटीन कर दिया, आपने जबरदस्ती आप लोगों के घर गए रात के 3 बजे, अगर आपको पता चला, अगर राज्य को पता चला कि इस घर में जो है ये आदमी जो है या ये औरत है, हो सकता है इनको ये महामारी हो, ऐसा राज्य है चीन की, वो जबरदस्ती गए वहाँ और उस आदमी या औरत को निकाल के जो है वो अस्पताल ले गए, क्वारंटीन सेंटर ले गए। अब ये हर देश में तो नहीं हो सकता। अब हमारा जो है, अगर आप देखेंगे दक्षिण कोरिया जो है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, इस प्रकार देश में भी उन्होंने इसको संभाला है, उसको कोरोना वायरस को कब्जे में ले आए, लेकिन उनके तरीके जो थे वो काफी अलग थे। लेकिन साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला हिंदुस्तान का कैसे होगा। आप देखिए कि न्यूजीलैंड की जो डेंसिटी है, बहुत बड़ा देश है और उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है एक स्क्वायर किलोमीटर में 15 लोग रहते हैं। अपने धारावी में एक स्क्वायर किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं, 10 लाख लोग, 10 लाख लोग, ठीक है ना। तो हम न्यूजीलैंड से कुछ खास नहीं सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे कई देश हैं जैसे दक्षिण कोरिया जिससे सीख सकते हैं। आज का समय देखिए तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे पास नौकरी है,
अब ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास इस वक्त नौकरी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन इशू कर दिया, ये तो नहीं सोचा देश ने इस वक्त, उस वक्त उनकी सरकार ने ये तो नहीं सोचा कि करोड़ों लोग जो हैं वो अपने परिवार के लिए खाना कहाँ से लाएंगे अगर आपने लॉकडाउन शुरू कर दिया। और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज है दिल्ली में, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज ने जब भी रिपोर्ट इशू करी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है कि केवल 2% जो हैं, जो दुकानदार हैं या जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं या बिजनेस के मालिक हैं, जिन्होंने अपने मजदूरों को या जो उनके कर्मी हैं उनको कहा कि ठीक है आप चिंता ना करिए, हम आपको तनख्वाह देते रहेंगे, बेशक आप काम पे नहीं आ सकते हैं, हम आपको तनख्वाह देते रहेंगे, केवल 2% किया ये हमारे देश में, ठीक है ना। तो इतने सारे जो करोड़ों लोग हैं जिनके पास अब खाने के लिए, जिनके पास नौकरी नहीं है, इनका क्या होगा। इस प्रकार का जो विचार है वो हमें विज्ञान से नहीं मिल सकता, वो हमें कला से मिल सकता है, वो संस्कृति से मिल सकता है, उपन्यास से मिल सकता है, साहित्य से मिल सकता है, लेकिन विज्ञान से नहीं मिल सकता है। और इसी कारण मैंने इस किताब में कोशिश करी है कि कला, संस्कृति, राजनीति, इतिहास, दर्शन, इस सब का है इस्तेमाल कर। संक्षेप में आप अपने किताब को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, 2-3 लाइन में, अगर व्यूअर के एक माइंडसेट के लिए कि इसमें ये पढ़ के कोई दिशा मिल सकता है कोरोना को, कोरोना वॉरियर हम कहते हैं कि कोरोना होके जो जी रहे हैं उसके बाद, मगर कोरोना का जो पैंडेमिक एक मेंटल इफेक्ट है, एक फिजिकल इफेक्ट है, एक इकोनॉमिक इफेक्ट है, सोशल इफेक्ट है, इसमें से बाहर निकलने का दिशा मिल सकता है आपके किताब से, आप संक्षेप में अगर छोटा सा करके एक्सप्लेन करें व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए। 2-3 लाइन में तो कहना जरा मुश्किल होगा, लेकिन 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 कोशिश करता हूँ। देखिए आपको मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो है कोरोना वायरस के कारण हमने ये देखा है कि हमारी जो वायु है, ठीक है ना, बिल्कुल स्वच्छ हो गई है, हो गई थी, अब फिर से खराब हो रही है। लेकिन 3 महीने जब लॉकडाउन रहा है, कहा जाता है और मैंने बहुत बारी सुना है, ठीक है, कहा जाता है कि ऐसे कई कई हमारे जो शहर हैं या गांव हैं जहाँ से हिमालय 200 किलोमीटर दूर है और कभी नहीं दिखा, 30-40 साल में किसी ने नहीं देखा इतनी दूर से, कि ये जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 1 महीने बाद वायु इतनी स्वच्छ हो गई थी, द एयर वॉज सो क्लीन कि आप 200-300 किलोमीटर दूर जलंधर में रह के आप हिमालय देख सकते, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार की हम जिंदगी काट रहे थे वो शुरू से ही गलत थी। और तभी मैंने ये किताब का नाम रखा है द फ्यूरी ऑफ कोविड-19, और सब टाइटल मैंने इसका रखा है द पॉलिटिक्स हिस्ट्रीज एंड अनरिक्विटेड लव, अनरिक्विटेड लव ऑफ द कोरोना वायरस। मतलब ये कोरोना वायरस जो है एक प्रकार से हमें कह रहा है कि मुझे मानवता से प्रेम है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आपने क्या क्या गलत किया है। अब जैसे हम सबको आदत है कि हम शॉपिंग करते रहते हैं, आमतौर पे जिस घर में पैसे थोड़े बहुत, मैं सारी हिंदुस्तान की आबादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब लोग भी बहुत हैं, लेकिन जो अपने जो मिडिल क्लास है, जो हमारी जो मिडिल क्लास है उसमें वही हो रहा है जो मिडिल क्लास जो बाकी दुनिया में हो रहा है, कि आप दुकान पे गए, आपने बतेरी चीज़ें खरीदी, आपने ऑनलाइन पे फ्लिपकार्ट अमेजोन से कई प्रकार की चीज़ें मंगवाई जो जिसकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोरोना वायरस ने हमें ये दिखा दिया कि वाकई हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आराम की ज़िंदगी हम काट सकते हैं,
और इसी संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये सोचिए कि 1909 100 साल हो गए हैं, 1909 में गांधी महात्मा गांधी ने एक छोटी सी किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज में उन्होंने क्या बातचीत करी, उन्होंने वही बातचीत करी जो प्रधानमंत्री मोदी ने अब हमें बताया है, जिसे वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। लेकिन फर्क ये है कि महात्मा गांधी के लिए यह नारा नहीं था, ठीक है ना। उन्होंने जो लिखा था ये बहुत गंभीर था और बहुत सोच और बुद्धिमत के साथ लिखा। कोरोना वायरस महामारी जो है वो हमारे लिए एक जो है परीक्षा है। अगर सीता के लिए अग्नि परीक्षा थी तो ये एक प्रकार की परीक्षा है हमारी आधुनिक सभ्यता के लिए। ये किताब में भी है, यही यही मैसेज किताब में भी है। किताब में ये हमने लिखा है और ये मेरी किताब का जो सबसे बड़ा संदेश है, एक प्रकार से संदेश। और एक चीज बताइए, आप जिस देश में हैं वहाँ पे कोरोना के लिए बहुत सारे लोग मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं, आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने जैसे हैंडल किया, इंडिया जैसे हैंडल किया था और अभी भी कर रहा है, ये क्या बेटर हो सकता है या ठीक है आपके हिसाब से और आपके व्यू से क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों देश में बहुत बहुत गलती हुई है, दोनों देश में बहुत गलती है। मैंने आपको तभी मैंने 10-15 मिनट पहले मैंने आपको चीन के बारे में बताया। हाँ। और मैं जब मैंने चीन के बारे में बताया, मैंने ये भी बताया कि उन्होंने जबरदस्ती भी बहुत करी है। हाँ। चीन का जो राजनीतिक जो सिस्टम है उससे मुझे कोई प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो हमें रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और वो कहाँ भी हो, जहाँ भी आए, उसे हमें जो है इनकार करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी हमें जो है सोचना पड़ेगा कि चीन ने ये कैसे संभाला। अब ठीक है, ज़बरदस्ती उन्होंने करी, और इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो ये है कि जैसे आप देखिए जो अब जो जो राज्य हैं वो इसका जो है वो ये जो स्थिति है उसका वो एडवांटेज ले रहे हैं, वो एडवांटेज ले रहे हैं कि लोगों की प्राइवेसी इन्वेड। अब जिस प्रकार के जो ऐप हैं, हमारा जो हिंदुस्तान में जो आरोग्य सेतु है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी मेरे पास इस समय नहीं है उसके बारे में बातचीत करने का इतना। लेकिन ये जो ऐप जो है इससे जो है वो ऐसे सब पता रहता है कि इस आदमी को बीमारी हो या वो किसी के साथ कॉन्टेक्ट में है, और जिसको बीमारी हो कि वो कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है। अब इस प्रकार के जो ऐप हैं उससे जो है जो जो एक इंडिविजुअल जो आज़ादी है, लिबर्टी है, वो खतरे में है। और ये जो कोरोना वायरस है इसका एडवांटेज जो है राज्य हर देश में लेना है, तो इसके कारण हमें जो है बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। और मैं ये जरूर कहूँगा कि हिंदुस्तान ने जो है लॉकडाउन जो किया उसके बारे में काफ़ी लिखा गया, काफ़ी चर्चा हुई है, जो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन इशू किया और उसको फिर लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, उसमें बहुत बहुत गलतियाँ, क्योंकि ये लेकिन बाद में तो सभी कह सकते हैं ये गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उस समय भी जो है कई लोगों ने सोचा था कि आप देखिए जब उन्होंने लॉकडाउन इशू किया सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा, तो सोचना चाहिए था कि आपने लॉकडाउन इशू कर दिए हैं और करोड़ों लोग जो है उनके पास ना आप खाने का है कुछ, ना कोई रहने की जगह होगी, मजदूर जो हैं वो कहाँ जाएंगे। और हुआ क्या, उसके कुछ दिन बाद सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान में लाखों लोग जो है वो ट्रेन स्टेशन पहुँच गए हैं, बस डिपो पहुँच गए हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा जो है हमने पार्टीशन के बाद कभी नहीं देखा। इस समय का जो रिवर्स माइग्रेशन एक प्रकार का जो आप कहेंगे, जो ये लोग जो हैं ये वापस गांव जा रहे हैं अपने, लेकिन ये हमारे देश के बहुत शर्म की बात है कि इतने करोड़ों लोग के बारे में सरकार ने सोचा ही नहीं कुछ भी।
बिल्कुल भी। इसको लेके भी बहुत आलोचना हुआ था कि माइग्रेंट लेबर्स अचानक लॉकडाउन हो जाने से वो स्टक हो गए थे और उसके बाद लाख लाख एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा पहुंचे, उसके बाद कोरोना का स्पाइक भी हुआ। तो ये अनटाइमली और ये विदाउट टेलिंग एनीथिंग अचानक लॉकडाउन से ही ये हुआ था, आपको भी यही मानना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई सोच विचार उन्होंने किया ही नहीं, सरकार ने कोई सोच विचार इसके बारे में किया ही नहीं, अगर आप मुझसे मेरे से पूछें। और अमेरिका में भी सरकार ने जो है सोच विचार नहीं किया। ये जो ट्रंप की जो का जो व्हाइट हाउस है, इन्होंने जो है इतनी गलतियां की हैं। ये तो खैर वो तो ट्रंप तो अभी तक कह रहा है कि ये तो बिल्कुल अब गायब हो जाएगा, वो तो शुरू से कह रहे थे ये गायब हो जाएगा। और यहाँ वो स्थिति हो गई है कि जो है 2 लाख लोग से ज़्यादा मर चुके हैं, ठीक है ना, 2 लाख से ज़्यादा लोग, और एक दो महीने में 3 लाख हो जाएंगे, है ना। और अभी परसों की बात है कि 85,000 केसेस एक दिन में निकले हैं यहाँ। और ये जो देश है, ये देश अपने आप को कहता है कि हम दुनिया के सबसे महान देश हैं, सबसे अमीर देश हैं, हमारा जैसा कोई देश है ही नहीं, ना कभी था ना कभी होगा। लेकिन आप जब देखें कि महामारी किस प्रकार से यहाँ फैल गया है, ठीक है ना, प्लेग किस तरीके से फैल गया है, तो मैं वाकई कहूँगा कि इस प्रकार का देश कोई नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक बेवकूफ के देश में ही ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े देश में जहाँ इतना धन हो, ठीक है, और दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया के आधे से ज़्यादा नोबेल प्राइज जो हैं पिछले 100 साल यहाँ के वैज्ञानिक को मिले हैं, और वो नहीं पाल सके। और छोटे छोटे देश हैं, वियतनाम है, क्यूबा है, दक्षिण कोरिया है, इन्होंने संभाल लिया। नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा कि हम बाकी देशों से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से सारी बीमारी वही है हिंदुस्तान में जो यहाँ है अमेरिका में, कि दोनों देश में ये सोचते हैं कि बाकी दुनिया से सीखने का कुछ रहा ही नहीं, हमारे जैसे लोग कोई हैं, और ये बात बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आगे जाके आपको क्या उम्मीद है कि कोविड फ्यूरी इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन सा जगह लेगा, और लोग इसे याद रखेंगे तो किस तरह से याद रखेंगे, क्या आपका चाहना है? ये तो बड़ा मजेदार प्रश्न है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे 10 साल बाद 15 साल 20 साल बाद, ये कहना मुश्किल है। आप एक ऐसे सोचिए कि क्रिस्टल की जो गेंद है वो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, वो किसी के पास नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा, कि दुनिया बाद क्या होगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि ये जो वायरस जो है ये बड़ा चलाक वायरस है, कई बारी पिछले 7-8 महीने में लोगों ने सोचा कि हाँ वाकई कब्जे में हो गया, कि वो केसेस नीचे जाते हैं फिर स्पाइक अप हो जाते हैं, देश से हट गया वापस गया, ठीक है ना। और हिंदुस्तान में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो है अब थोड़े बहुत केसेस कम हो गए हैं पिछले 1-2-3 हफ्ते में, एक समय था अभी कुछ 3 हफ्ते पहले कि लग रहा था कि रोज 1 लाख तो होंगे, कम से कम 1 लाख तक तकरीबन पहुंचने वाले थे हम, अब 60,000 जो है 55,000 पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये सोचने लगे हैं कि हाँ ये तो अब जो है ये हमने अब संभाल लिया, नहीं बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये बहुत चलाक है ये वायरस। और ये चलाक इसीलिए है क्योंकि इंसान जो है इतने चलाक हो गए हैं, हद से ज़्यादा चलाक हो गए हैं इंसान, और दुनिया का जो है फायदा उन्होंने लिया है, दुनिया का बर्बादी कर दी है हमने, वायु की बर्बादी कर दी है, समुद्र की बर्बादी कर दी है, पहाड़ों की बर्बादी कर दी है। क्लाइमेट चेंज जो है ये किस चीज़ के बारे में है? ये कोरोना वायरस जो है ये क्लाइमेट चेंज के बारे में भी है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि 10-15 साल बाद ये हम इसके बारे में कैसा सोचेंगे, क्या याद रखेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से तो इंसान ऐसा है कि इंसान जो है ये कठिन समय जो है ये कभी कभी भूल जाते हैं,
10-15 साल बाद कई लोगों को ये याद भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको याद रहेगा, लेकिन वो कहेंगे कि यार देखो दुनिया छोटी, दुनिया का कुछ पता नहीं क्या होने वाला। अब जैसे एथेंस में, मैं आपको बताता हूँ, ये आप समझेंगे ये प्रश्न का जवाब मैं इस प्रकार से क्यों दे रहा हूँ। एथेंस में, एंशिएंट ग्रीस में 2400 साल पहले एक महामारी आई, बड़ा जबरदस्त, द प्लेग ऑफ एथेंस, वो थुसिडिडीज एक हिस्ट्री, उन्होंने उस एक किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं उसे। अब थुसिडिडीज ने यह कहा कि जब वो महामारी वहां आया तो कई लोगों ने सोचा कि यार दुनिया में सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है, अब कुछ पता नहीं कि हफ्ते बाद हम में से कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने लोग मर रहे हैं, हमारे जान पहचान के लोग मर रहे हैं, दोस्त मर रहे हैं, हमारे आंखों के सामने लोग मर रहे हैं, सड़कों पे लाशें पड़ी हैं, कोई उठा नहीं रहा उनको। तो उन्होंने ऐसे सोचा और फिर उन्होंने कहा कि ऐश करनी चाहिए भाई, अब पता नहीं हफ्ता रहता है जीने में या दो हफ्ते रहते हैं या दो महीने रहते हैं, लेकिन लगता तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय है, तो ऐश करो। तो उन्होंने बहुत ऐश करी, बहुत ऐश करी। अब ये नहीं सोचा, क्योंकि आप सोच, आप अगर ये पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे यार इतनी बड़ी महामारी हुआ, इतनी तकलीफ हुई लोगों, तो लोग कुछ थोड़ा जो है वो थोड़ा सुधर जाएंगे, कहेंगे कि यार देखो कोई समस्या हुई है, कोई कारण होगा। नहीं नहीं उल्टा रिएक्शन हुआ, उल्टा रिएक्शन, उन्होंने कहा कि यार शराब पियो, पागल हो जाओ, औरतों के पीछे भागो। वो थुसिडिडीज जो है वो सारा ही बताता है कि यही हुआ। और ब्लैक डेथ में भी 14th सेंचुरी में जो यूरोप में ब्लैक डेथ हुआ, उसके कारण जो है आबादी जो थी वो 25% जो थी वो खत्म हो गई यूरोप में 10 साल में 25%, ठीक है ना, 25% आबादी खत्म हो गई। तो और ब्लैक डेथ में उस समय हमें यही पता चलता है कि लोग बिल्कुल उसी प्रकार से सोच रहे थे जैसे एथेंस में सोच रहे थे तकरीबन 2000 साल। उन्होंने कहा दुनिया खत्म होने वाली है, अब प्रार्थना का समय नहीं है, ये नहीं है कि बैठ के प्रार्थना करो, पूजा करो, देवताओं के बारे में सोचो, नहीं नहीं मजे करो, मजे करो, शराब पियो, गंदी बातें करो, काम वाम छोड़ दो, काम करने का क्या फायदा, अगर किसी का खून कर सकते हो तो वो भी कर दो, अगर उसके उसके घर में से कोई कुछ ले जाना हो तो ले जाओ, क्योंकि खून करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कानून तो है ही नहीं, तो आपको पकड़ेगा कौन। तो ये किताबों में ये बताया गया, इस प्रकार से लोग सोचने लगे, ठीक है ना। तो ये जो सवाल आपने जो पूछा है, ये प्रश्न जो है ये मुश्किल है, क्योंकि हमें इस समय कुछ पता नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। आप अगर एक्सप्लेन करें कोविड को, तो आप एक लाइन में, दो लाइन में क्या कहेंगे कोविड, सार्स कोविड 19 को? नहीं, एक्सप्लेन मतलब कैसे, मतलब विज्ञान की ओर से? हाँ, आपके हिसाब से एज अ हिस्टोरियन, एज अ राइटर, एज अ प्रोफेसर, एज अ रिसर्चर, आपके व्यू से? हाँ, तो जो ये कोरोना वायरस महामारी जो है, ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, ये अद्भुतपूर्व जैसे कहेंगे, ये जो है ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है जो हमने इतिहास में पहले कभी नहीं देखा, और वो कभी नहीं देखा है क्योंकि इस बार हर देश में राज्य ने इसको संभालने के लिए पूरा देश एक प्रकार से बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, विश्वविद्यालय बंद कर दिए, बिजनेसेस जो हैं, व्यापार सब कुछ बंद कर दिया, लोगों का कहा आप अपना घर में जाइए और घर में अपने आप को बंद कर दीजिए, ठीक है। सो ये इसलिए इसका मुकाबला जो है सार्स के साथ
या 1957 में जो एशियन फ्लू हुआ, 68 में एशियन फ्लू जो हुआ, और 1918-1920 में जो स्पैनिश फ्लू हुआ, स्पैनिश फ्लू में जो है 5 करोड़ लोग जो हैं की मृत्यु हुई है दुनिया भर में, 5 करोड़, 50 मिलियन, है ना। और उस वक्त दुनिया की आबादी बहुत कम थी, तो प्रोपोर्शनेटली बहुत बहुत लोग मरे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हुआ है इसका मुकाबला, ये बिल्कुल अभूतपूर्व चीज है, इसका मुकाबला आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, जो महामारी जो हम इस समय हमारे बीच में है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, आपके रीडर्स को, सबको, आगे वाला जो समय आ रहा है, वैक्सीन अगर आएगा, कुछ देर के लिए छुटकारा मिलेगा कोविड से, या इसको टैकल करना होगा अभी 1-2 साल, कैसे होगा, क्या मैसेज है आपका? वैक्सीन से छुटकारा हो सकता है, लेकिन वैक्सीन जो है उससे सारे समस्या तो हल नहीं हो जाएंगे ना। और ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर वैक्सीन जल्दी आ गई तो फिर होगा क्या, होगा वही कि सारे लोग जो हैं जो पुराने आते थे उस वही पुराने आते वापस आ जाएंगे, फिर हम हवाई जहाज पे बैठेंगे जब बैठने की जरूरत नहीं है। सी मैं यही कह रहा था ना कि आधुनिक बीमारी क्या है, आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, गांधी ने क्या बताया था स्वराज में, उन्होंने यही बताया था, स्पीड, जल्दबाजी, हर चीज में जल्दबाजी। भाई यहाँ से बैठ गए वहां चले गए, हर 2 महीने इधर उधर चले गए, जरूरत क्या है, क्या जरूरत क्या है, ठीक है ना। तो अगर वैक्सीन आ गई जल्द से, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जल्द से जो वैक्सीन आई है, हाँ एक प्रकार से समस्या तो हल होगी, लेकिन जो जो समस्याएं जो हमारे साथ हैं शुरू से, उनका हल नहीं निकलेगा उससे, वो सब समस्याएं रहेंगी। और सबसे बड़ी समस्या दुनिया में इस समय महामारी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।